क्रेटोस आखिर ग्रीक माइथोलॉजी से नॉर्स माइथोलॉजी में कैसे आया? अब देखो, ये जो सवाल है ना, मेरे को लगा था कि ये 2018 या 2019 में ऑलरेडी सबके लिए क्लियर हो चुका है, लेकिन मेरे लिए ये कमेंट आता है इसी बात को लेकर कि क्रेटोस जो है आखिर ग्रीक से नॉर्स में पहुंचा कैसे। पहले तो मेरे को भी यही लगा, जैसा कि मैंने कहानी में एक्सप्लेन किया ही था कि जो भगवान है वो अलग अलग धरती के अलग अलग टुकड़ों को रूल करते हैं, लाइक इंडियन गॉड है वो भारत में रूल करते हैं इस गेम के हिसाब से, और जो ग्रीक के गॉड हैं जैसे ज्यूस या फिर हरक्यूलिस वो ग्रीक की धरती पे रूल करते हैं, और जो नॉर्स के गॉड हैं नॉर्स की धरती पे। सो एक तरीके से ये राजाओं वाला सिस्टम हो जाता है कि इस राज्य को जो है राज ये राजा करेगा, इस राज्य पे राज ये राजा करेगा, तो उस टाइप का कुछ सिस्टम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम आती है जो मैंने पहले ध्यान नहीं दी थी। अलग अलग माइथोलॉजीज के हिसाब से अलग अलग देवता है, लाइक पोसाइडन जो है यहाँ पे समुद्र देव है, उसी तरीके से नॉर्स में भी एक समुद्र देव होता है। जिस तरीके से ग्रीक माइथोलॉजी में जो ज्यूस है वो बिजली और बरसात इस तरीके की नेचुरल पावर्स को कंट्रोल कर सकते, एक तरीके से उसे तुम गॉड ऑफ थंडर भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे जो थोर है वो गॉड ऑफ थंडर है, और हमारी इंडियन माइथोलॉजी में जो इंद्रदेव है उनका भी काइंड ऑफ यही काम है। तो ये चीजें कैसे हो सकते हैं, मतलब एक ही चीज के एक से ज्यादा देवता कैसे हो सकते हैं? लेकिन इस बात को भी एक बार को तुम अलग से उतार लोगे, बट प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि हर माइथोलॉजी के हिसाब से दुनिया की शुरुआत अलग तरीके से हुई है। जी हाँ, जैसे कि इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भगवान विष्णु जी थे जिन्होंने ब्रह्मांड की और इस दुनिया की शुरुआत की थी, या फिर शिव पुराण में जो है भगवान शिव ने इस दुनिया की शुरुआत की थी। उसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे क्रिश्चियन माइथोलॉजी में गॉड ने पूरी की पूरी दुनिया को बनाया है, नॉर्स माइथोलॉजी में किसी और ने पूरी दुनिया को बनाया है, ग्रीक माइथोलॉजी में किसी और तरीके से दुनिया बनी है। और इसी तरीके से यहाँ पे एक बात और आती है, जैसा कि हमने ग्रीक माइथोलॉजी में देखा था गॉड ऑफ वॉर में कि एटलस ने जो है पूरी धरती का भार अपने कंधों पे उठा रखा था, तो क्या अगर एटलस वहां से दुनिया को गिरा दे, क्या नॉर्स माइथोलॉजी या इजिप्ट माइथोलॉजी या इंडियन माइथोलॉजी भी तबाह हो जाएंगी? अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है। मैं ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो सिंपली अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये दुनियाएं एक साथ कभी भी को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि हर माइथोलॉजी के हिसाब से पृथ्वी अलग तरीके से बनी है, तो एक ही पृथ्वी 50 तरीके से तो नहीं बन सकती ना। तो यहाँ पे एक दूसरी थ्योरी आती है जो मुझे काफी ही ज्यादा सही लग रही है, जो उठाई है मैंने द फ्लैश जो शो आता था CW वाले जो स्ट्रीमिंग सर्विस थी उस पे, तो उसमें जो है दिखाया गया है कि अलग अलग पृथ्वियां जो हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं, तो उन्हें एक तरीके से पैरेलल यूनिवर्स बोल सकते हो। उसमें बताया गया है कि हमारी पृथ्वी जो है एक अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, यहाँ के लोग भी, यहाँ की हर चीज, और साथ ही में कोई और पैरेलल अगर यूनिवर्स होगा और पैरेलल कोई अर्थ होगी तो वो अलग फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं, तो चीजें जो है एक साथ होकर के भी कभी एक साथ नहीं होती। ये लोग उस धरती पे नहीं जा सकते और वो लोग इस धरती पे नहीं आ सकते अनटिल अनलेस कोई चीज उन्हें ये करने में मदद ना करे। फ्लैश के शो में फ्लैश को मदद करती थी उसकी बहुत तेज स्पीड, लेकिन यहाँ आखिर क्रेटोस कैसे आया? इस चीज का जवाब हमें गेम्स में या कॉमिक में तो ठीक से नहीं दिया गया है, लेकिन गॉड ऑफ वॉर की जो गेम्स होती हैं उनके नॉवलाइजेशन मिलते हैं। जी हाँ, नॉवलाइजेशन मतलब जो गेम की कहानी कोई नॉवल में लिखा जाता है, और ये जो नॉवल्स होती हैं इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिखाई जाती हैं और ये सेकेंडरी कैनन होती हैं। सेकेंडरी कैनन का मतलब होता है कि अगर नॉवल की कहानी गेम की कहानी के साथ विरोधाभास पैदा नहीं कर रही है तो वो चीज कहानी में मानी जाएगी, और अगर गेम की कहानी और नॉवल की कहानी आपस में टकरा रही है किसी पॉइंट पे तो गेम की कहानी को सही माना जाएगा। तो इस नॉवल के हिसाब से जब क्रेटोस इजिप्ट से होकर के निकल रहा था तो वो जो है एक बार एक शिप में सफर कर रहा होता है जो कि किसी वजह से टूट जाती है, और वो एक किनारे पे आके लेटा हुआ होता है, तभी वहाँ पे क्रेटोस को एक फीमेल की जो है परछाई टाइप दिखती है और उसके साथ में दो भेड़िए होते हैं, और यहाँ क्रेटोस जो है उससे चिल्ला करके पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन तभी वो लेडी जो है उन भेड़ियों को आदेश देती है और वो क्रेटोस का पैर पकड़ करके उसे घसीट करके नॉर्स माइथोलॉजी में लेकर के आते हैं। हमें ये नहीं बताया गया है कि इस चीज के लिए किसी पोर्टल का इस्तेमाल हुआ था या वो जो भेड़िए हैं वो बहुत तेज रफ्तार से भागे थे। लेटर और उसी नॉवल में जो है हमें पता लगता है कि वो जो लेडी थी वो कोई और नहीं बल्कि क्रेटोस की वाइफ फे थी, और वो जो दो भेड़िए थे वो कोई और नहीं बल्कि स्कॉल और हार्टी थे। तो यहाँ पे जब फे को पता लगा होगा कि एक पैरेलल यूनिवर्स में एक देवता ने पूरे के पूरे भगवानों को मौत की नींद सुला दिया है, और जब फे को पता था कि कैसे यहाँ पे जो गॉड्स का जो है अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो उसी ने जो है पूरा का पूरा मास्टर प्लान बनाया होगा कि वहां से क्रेटोस को
उसको कैसे भी करके इस यूनिवर्स में लाओ और उसकी जो जर्नी है उसको इस तरीके से सेट करो कि ये यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कर दे। और क्रेटोस वैसा ही करता भी है रैग्नारोक। और अब ये जो थियोरी है ये हमारे हर सवाल का जवाब दे देती है कि कैसे अगर एटलस पूरी दुनिया को गिरा भी दे तो नॉर्स माइथोलॉजी खत्म नहीं हो जाएगी, इजिप्शियन माइथोलॉजी खत्म नहीं हो जाएगी। क्रेटोस जो है वो पैरेलल यूनिवर्सेस में जाता है। बट यहाँ पे भी अभी भी एक प्रॉब्लम है कि मिमिर जो है उसे ऑलरेडी घोस्ट ऑफ स्पार्टा के बारे में पता था कि क्रेटोस ने आखिर क्या क्या कारनामे किए हैं। इसका मतलब मिमिर को भी जो है पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल करना आता था। अब इस थियोरी को जो है यहाँ पे फ्रेया भी कंफर्म कर देती है हमारे लिए गॉड ऑफ वॉर 4 जो गेम आया था गॉड ऑफ वॉर 2018, जहाँ वो बोलती है कि मुझे मालूम है कि तुम एक भगवान हो, भले तुम इस रेल्म के भगवान नहीं हो लेकिन कहीं ना कहीं के तो हो। अब देखा जाए तो फ्रेया जो है सारे के सारे रेल्म्स में होकर के आ चुकी थी, उस वाले अर्थ के जितने भी रेल्म्स थे, चाहे वो मिडगार्ड हो, चाहे वो वेनाहाइम हो, चाहे वो एसगार्ड हो, सभी जगह रह करके आ चुकी थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर क्रेटोस एक गॉड था तो ऑलरेडी फ्रेया को 100% पता होना चाहिए था कि क्रेटोस कहाँ का भगवान है। उसने बोला था कि तुम इस रेल्म के नहीं हो और उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि क्रेटोस आखिर है किस रेल्म से। तो यहाँ पे ये थ्योरी जो है थोड़ी सी और कंफर्म हो जाती है। और अब मैं इसी थ्योरी को लेकर के आगे चलना चाहूंगा गॉड ऑफ वॉर की जो आगे आने वाली गेम है, जब तक सेंटा मोनिका स्टूडियो की तरफ से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आ जाता। जैसा कि गॉड ऑफ वॉर 2018 के डायरेक्टर कोरी बालॉग ने भी कहा था कि क्रेटोस जो है पृथ्वी पे ही है लेकिन वो उसी तरीके से है जैसे ब्रह्मांड में अलग अलग आकाश गंगा है, वहाँ पे कई सारी दुनिया है, इसी तरीके से यहाँ पे कई सारे वर्ल्ड है और वर्ल्ड से उनका मतलब था पृथ्वी। सो अब जैसा कि हमें पता है कि गॉड ऑफ वॉर का नेक्स्ट गेम जो है इजिप्शियन माइथोलॉजी पे बेस्ड होने वाला है, तो यहाँ अब देखने वाली बात होगी कि क्या क्रेटोस को अभी इस माइथोलॉजी से यानी नॉर्स माइथोलॉजी से इजिप्शियन माइथोलॉजी में ट्रेवल करते हुए दिखाया जाता है या नहीं। अगर उसे दिखाया जाता है तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि क्रेटोस आखिर एक से दूसरी माइथोलॉजी में कैसे जंप करता है, किसी पोर्टल के थ्रू या किसी बहुत पावरफुल किसी आर्टिफैक्ट के थ्रू या बहुत तेज रफ्तार में ट्रेवल करने से या किसी पावर से, किसी ना किसी तरीके से तो वो करता है, बस हमें अभी तक नहीं पता कि कैसे किया था या फिर फे ने पिछली बार उसे ग्रीक माइथोलॉजी से उठा करके कैसे नॉर्स माइथोलॉजी में घसीटा था स्कॉल और हार्टी की मदद से, या फिर हो सकता है स्कॉल और हार्टी जो हैं वो इसमें क्रेटोस की आगे चल के मदद करें किसी और माइथोलॉजी में जाने के लिए। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए हमें नेक्स्ट गॉड ऑफ वॉर गेम का इंतजार करना होगा और वो अभी आसपास तो कतई नहीं लग रही, कम से कम 2025 या 2026 से पहले तो वो किसी हालत में नहीं आने वाली। हो सकता है एट्रियस के ऊपर एक अलग से जो गेम हो सकता है आए तो वहाँ कुछ दिखाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्रेटोस के ऊपर 2025-26 से पहले कोई भी गेम आएगा। तो ये थ्योरी में मैं अभी ये चीज मान के चलूंगा आगे भी अपने आने वाली वीडियोस में कि गॉड ऑफ वॉर में पैरेलल यूनिवर्सेस हैं जो हमारी ही पृथ्वी के साथ अलग अलग पृथ्वियां कोएग्जिस्ट करती हैं, बस वो अलग फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं तो हमें उसका पता नहीं लग पाता। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर तुम्हारे कोई और फैन थ्योरीज हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, कोशिश करूंगा मैं अगर वो इंटरेस्टिंग लगती हैं तो उन पे भी वीडियो बनाने की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना, मेरी तरफ से टाटा।